चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। पिछली सरकार में तो सब पढ़े लिखे से घूम रहे हैं ऐसे ही बेरोजगार। पहले तो हर चीज 10 रुपए की 5 रुपए मिल जाती थी, अब तो 5 रुपए लगे जाए दुकान वाला मार के भगा देगा। 5 किलो में गल्ला क्या एक महीना आप खा लोगे? नमस्कार साथियों, हम आज लखीमपुर जिला में हैं, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर ज़िले में हैं, जहां पर पलिया विधानसभा है। और पलिया विधानसभा क्षेत्र में हम पड़वा गांव में हैं, जहां पर हम लोग गली से गुजरेंगे और यहां गुजरते हुए लोगों से बात करेंगे और चुनाव के बारे में पूछेंगे, जानेंगे कि क्या इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में लोग किस तरह से देख रहे हैं, अपने मुद्दे कैसे समझ रहे हैं और किसकी सरकार बनाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं यहाँ की जनता। आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है इस बार। क्या नाम दादा आपका? मेरा नाम रघुवीर जी। क्या काम करते हैं आप? हम किसानी करें। अच्छा, क्या लग रहा है 5 सालों में काम वाम कुछ हुआ सरकार के द्वारा? काम तो जुन भवा साहब आपको जानते, दुनिया जानती है। आपने कहा जैसे सब कह रहे हैं, आपने कहा जैसे आप किसान हैं, किसानों के लिए कुछ काम किया है सरकार ने 5 सालों में? का करे, ना पैसा मिलैया, हरा वो सब चर्चा। किसको आप इस बार, पिछली बार वोट किसको किया? क्या किसकी सरकार आप बना रहे हैं इस बार, क्या लगता है आपको? हम तो वो अखिलेश वाली बनवाइया। अखिलेश वाली, चलिए आगे भी हम बातचीत करेंगे लोगों से। हाँ, पिछली सरकार है उसने कुछ काम वाम किए? उसने क्या किया? कुछ नहीं किया। जैसे महंगाई बढ़ाई और क्या किया? सब कहीं महंगाई महंगाई है। आप नौजवान है, रोजगार पर कुछ कैसे पिछले 5 सालों में कुछ काम हुआ? कुछ काम नहीं, रोजगार कुछ मिले नहीं। जब एक तो फैक्ट्री पैसा नहीं दे रही, परेशान आदमी घूम रहा है, किसान आदमी तो किसान परेशान है, तब किसी का काम नहीं चल रहा। अच्छा, आपके क्षेत्र में लखीमपुर जिला है आपका। हाँ हाँ, एक घटना हुई थी कि किसानों के ऊपर गाड़ी हाँ, वो तो गलत हुआ था। किस कैसे देखते हैं आप, कितना गुस्सा है उस पे? तो बहुत गुस्सा है लोगों पे, बेकसूर मारे गए। अरे तो नाराजगी है लोगों की इस बात से? इस बात से नाराजगी क्यों नहीं है, बहुत नाराजगी है। आप क्या काम करते हैं? मैं तो अपना यही काम धंधा खेती, घर में कुछ खेत किसानी, किसान है। हाँ, खेती किसानी करता हूँ। तो आप खेती किसानी है, आपके घर में किसानी है, तो क्या लगता है कि जैसे कानून अभी ये वापस हुए, किसान आंदोलन चला, इनको इसको कैसे देखते हैं? इसको कैसे देखें, यही देख लो कि आदमी परेशान, किसान परेशान, अब वापस कर लिए इलेक्शन के बारे में। कुछ लोग कह रहे थे कि अच्छा काम किया है किसानों के लिए, आए उनकी दुगनी कर देंगे 2022 तक। कुछ नहीं होगा, साकिल जिले सरकार नहीं बनेगी, तले कुछ नहीं होगा। चलिए चलिए आगे हम पूछ लेंगे। अरे भैया जी, आप बताइए ना, आप भी बताइए ना, क्या नाम बताए हमारा, चुनाव में क्या माहौल लग रहा है भैया? चुनाव के बारे में हम क्या मान लो भाई, वोट बनाए आपका? अभी नहीं बनाए। अच्छा, घर वालों का तो बना होगा? हाँ, घर वालों का सबका बना। वो किधर कर रहे हैं वोट? वोट साइकिल की तरफ, साइकिल की तरफ। और जो पिछले जो योगी जी है उनको क्यों नहीं कर रहे हैं? उनको क्या पता क्यों नहीं कर रहे? काम नहीं किए कुछ आपके गांव में? कुछ काम नहीं किए? हमारे गांव में काम किए होंगे पर हमारा तो नहीं किया कोई। अच्छा, हम जो हालात पे थे वही हालात पे अभी। तो कुछ बदलाव हुआ नहीं आपके जीवन में? हमारे जीवन में क्या होगा, जब हमारे घर में नहीं हुआ है कुछ तो क्या होगा? तो कह रहे थे जैसे रोजगार मिला कुछ आपको? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, क्या मिलेगा? अच्छा, यहाँ लोग बैठे हैं, क्या नाम आपका, क्या नाम भाई साहब? राजीव अली जी। क्या लग रहा है चुनाव में? ठीक है चुनाव, इन्होंने कहा था किसानों की आय दुगनी कर देंगे 2022। दुगनी है किस तरह है? थोड़ा सा 2000 रुपया मिल रहा है वो, तो 5 किलो गल्ला मिल रहा है, 50 किलो जानवर खा रहा है। 2000 रुपए में आपको लगता है घर का काम चल जाता है? चल जाएगा, 5 किलो में गल्ला क्या एक महीना आप खा लोगे? आप तो आप इनसे सहमत नहीं है? जो नहीं नहीं, सहमत कोई हम कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बात जो है वो सही है। 5 किलो गल्ला में आप एक महीना खा लेंगे, आप अकेले खा लेंगे? नहीं खा पाएंगे ना, तो थोड़ी व्यवस्था गड़बड़ है। हालांकि राशन जो ये कह रहे हैं, गल्ले की भी बात कह रहे हैं, सरकार ने खुद ही कहा है कि वो मार्च में बंद हो जाएगा, उसके बाद क्या? उसके बाद में क्या, फिर मामला खत्म है।
दिहाड़ी करो, मजदूरी करो, गल्ला खत्म, चुनाव गया गल्ला गया। अगले जी ने वादा किया है कि पाँच अनुकूल सरकार अगर बनेगी तो 5 साल गल्ला फ्री देंगे, वो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। लेकिन यूपी में बिजली बहुत महंगी थी इस बार। महंगी तो है ही है भाई, जब फ्री का कनेक्शन दिया है तो महंगी भी होगी। उसका क्या नाम? थोड़ा पढ़े लिखे हो, जानकारी मिले थे। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं कुछ नहीं, घर पर रहता हूँ, घर पे पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करते हैं? चलिए, आप पढ़ाई करते हैं, आप 5 साल में पढ़ाई में कुछ बदला, एजुकेशन में कुछ बदला, कुछ फायदा हुआ आपको? 5 साल में बहुत कुछ हुआ, लेकिन कोरोना जो कोरोना करे मतलब वो सब गलत हुआ। कोरोना लॉकडाउन जो लगा वो पढ़ाई बंद हो गई, बस और कोई दिक्कत नहीं हुआ। ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हुई आपकी? ऑनलाइन पढ़ाई हुई। तो कितने आपके गांव में ऐसे कितने लोग हुए जिनका ऑनलाइन पढ़ाई हो पाया? माना कि जिनके पास फ़ोन था वो पढ़ सकते हैं, और जिनके पास फ़ोन नहीं है वो कहाँ से पढ़ेंगे। तो कैसी, कितने लोगों के आपको लगता है कितना पढ़ाई रुका होगा जिनके पास फ़ोन नहीं था? माना कि आजकल 90% लोगों के पास फ़ोन है, 10% नहीं है। लेकिन घर में अगर 4 बच्चे हैं पढ़ने के लिए, 4 फ़ोन चाहिए फिर, और रिचार्ज भी चाहिए उनमें, तो क्या ये सिस्टम सही है आपको लगता है? वो तो नहीं सही लगता है, लेकिन जो हुआ वो सही। चलिए, आप नौजवान हैं, रोजगार की क्या स्थिति आपके? रोजगार मैं करता नहीं सर, मुझे नहीं। नौकरी नहीं मिली? नौकरी नहीं बनी। चलिए, आपका क्या नाम भैया जी? बारिश। बारिश जी, क्या लगता है चुनाव है किसको जीता है? सपा की सरकार बन रही। अच्छा, सपा की सरकार बना रहे, और जो पिछली सरकार है? पिछली सरकार में तो सब पढ़े लिखे सब घूम रहे हैं ऐसे ही बेरोजगार। तो भाई साहब को कह रहे हैं नौकरियां मिली? अरे वो उनको मिली होंगी इतना। अच्छा, हाँ। आपको नहीं मिली? नहीं मिली, हम लोग सब पढ़े लिखे घूम रहे हैं बेरोजगार। महंगाई को कैसे देखते हैं? महंगाई तो बहुत महंगाई हो गई, 100 रुपए में तेल हो गया, डीजल हो गया 100 रुपए में, महंगाई तो बहुत हो गई। तो आगे महंगाई है, बेरोजगारी है, आपके अस्पतालों की क्या स्थिति है, कुछ बदलाव? यहाँ अस्पताल ही नहीं है। अस्पताल ही नहीं है? तो बाकी कुछ मदद नहीं की सरकार ने? गल्ला दे रहे हैं, जैसे राशन दे रहे हैं। गल्ला कहाँ, कुछ भी ना दे रहे हैं, गल्ला कहाँ से दे? तो कार्ड तक का नहीं तो गल्ला कहाँ से देंगे? तो वैक्सीन लगवाओ तो कार्ड पे जाओ, वहाँ इतने लोग के पहले तो हर कोई भी ले आओ, आप अपने आप से जाओ, हमारा है नहीं तो जाएंगे क्या? राशन कार्ड नहीं बनाया? कुछ भी नहीं बनाया। ये तो कह रहे हैं इसकी बहुत, हमने फ्री राशन दिया है सबको, ये क्या है? जिसको दिया होगा उसको दिया, हमको दिया नहीं तो हमें क्या पता? आपके गांव में नहीं कुछ ऐसा काम किया? हमारे गांव में क्या किया? अच्छा, नो आपके जब बेचारा सब कमाते हैं तो खाते हैं, नहीं खाते तो भूखे मरते हैं। तो क्या आप इस बार क्या वोट कहाँ कर रहे हैं, कैसा आपको लग रहा है, कहाँ आप वोट डालेंगे इस बार? जिसका मर्जी होगा उसको देंगे, नहीं मर्जी के नहीं देंगे। तो महंगाई आपको लगा महंगाई बड़ी बड़ी है उससे फर्क पड़ा? कहाँ बड़ी महंगाई, तो बहुत मिट्टी के भाव गई है। जैसे सरसों का तेल बहुत महंगा हो गया है, फर्क तो पड़ता होगा ना घर पर इन बात क्यों नहीं पड़ता है? बहुत पड़ता है, पहले तो हर चीज 10 रुपए की 5 रुपए मिल जाती थी, अब तो 5 रुपए लग जाए दुकान वाला मार के भगा देगा। और बच्चों की पढ़ाई का क्या, उसमें बच्चों की पढ़ाई क्या हो रही है? बहुत स्कूल ही बंद है तो बच्चे की पढ़ाई कहाँ से होगी? बिल्कुल। अम्मा जी नमस्कार, क्या नाम आपका? जो पिछली सरकार है उसने कुछ काम किया आपके लिए? क्या करो हमारे लिए, क्या करो कुछ नहीं। तो पेंशन बढ़ाई नहीं आपकी, और नहीं बढ़ाई ज्यादा? अच्छा, और तो नहीं। घर में किसी को नौकरी मिली हो? नौकरी कोई है ही नहीं भैया, लड़का दा बहू का तो आदमी दा बहू का तो ही एक लंदा है। अच्छा, इसको पढ़ाई वढ़ाई करते हैं? अब भाई नहीं पढ़ाई वढ़ाई करते। अच्छा, सरकारी में जाते हैं लंदा। अच्छा, एक छोटो है एक बड़ो है, वहाँ काले अम्मैया भैया है, एक छोटे लगो गए सिलेंडर गिरी गए तो वहाँ पत्ती बंधी पड़ी। गैस मिला है आपको? गैस नहीं मिली रही गैस भैया। अच्छा, हाँ मोल ले से पता कमाई कर इसे सबसे बुझो। हम लोग पलिया विधानसभा क्षेत्र में थे, जहाँ पड़वा गांव में हम लोगों ने घूम घूम के लोगों से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि इस बार लखीमपुर खीरी जिला में क्या माहौल चुनाव का बन रहा है, और लोगों के अलग अलग मत है, लोगों के अलग अलग विचार है, उन्हीं लोगों से हम लोगों ने बातचीत की और जानने की कोशिश की कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में किस तरह के बदलाव होने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनावी खबरें पाने के लिए जुड़े रहे गोरखपुर न्यूज़ लाइन और चलचित्र अभियान के साथ, आपको चुनावी खबरें आती रहेंगी। धन्यवाद।